नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है अल्फा रेजिमेंट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के टॉप डिफेंस न्यूज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अल्फा रेजिमेंट, अर्न यूनिफॉर्म, अर्न रिस्पेक्ट, प्रेजेंस, डिफेंस न्यूज। एयरबस ने A400 को इंडियन एयरफोर्स के IL-76 के विकल्प में पेश किया है। जी हां दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनी में से एक एयरबस ने भारत के सामने उनके IL-76 के बदले अपनी A400 विमान की पेशकश की है। A400 एम एटलास हर तरीके से बड़ा विमान है और आकार के मामले में लॉकहीड मार्टिन C-130 हरकुलस और बोइंग C-17 ग्लोबल मास्टर 3 के बीच बिल्कुल फिट बैठता है। ये विमान बाकी विमान के बदले ज्यादा इफेक्टिव और कारगर है। ये C-130 से दोगुना वजन ले जाने में सक्षम है और एम्ब्रेस C-90M की तुलना में 10 टन ज्यादा पेलोड ले जाने में सक्षम है। भारत की HAL ने सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करने की योजना बनाई है। जी हां दोस्तों, भारत की HAL ने सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करने की योजना बनाई है। ये अपग्रेडेशन फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से शुरू होगा। इस अपग्रेडेशन में सुखोई 30 MKI में नए जनरेशन के टच वॉइड डिस्प्ले और नए कॉकपिट होंगे। उसके साथ साथ इंडिजीनियस AESA रडार अपग्रेडेशन, मिशन कंट्रोल कंप्यूटर और एनहेंस वेपन पैकेज होंगे। इसरो ने जापान को उसकी मून मिशन SLIM स्लिम की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की बधाई दी है। सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए इसरो ने कहा कि ये पूरे सीज कम्युनिटी के लिए गर्व की बात है। जापान की स्पेस एजेंसी ने कहा कि सब कुछ प्लान के अनुसार ही हुआ और हम XRI-SL और स्लिम के लॉन्च के बाद सभी पक्षों की मदद के लिए उनका धन्यवाद भी करते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 समिट होना है, जिसके मद्देनजर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शुक्रवार को भारत पहुंचेंगे। मोदी और बाइडेन के बैठक से ठीक पहले भारत ने 31 MQ-9B ड्रोन के लिए अमेरिकी सरकार से एक ऑफिशियल अनुरोध किया है। इससे पहले रक्षा मंत्रालय की ओर से लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा गया था, जिस पर बाइडेन सरकार जवाब देने वाली थी। भारत ने इसलिए इसकी मांग की है क्योंकि ये 4000 फीट तक की उड़ान भर सकता है, निगरानी रखने के साथ साथ खुफिया जानकारी भी जुटाने में सक्षम है। हर एक तरीके के मौसम में बिना किसी रुकावट से 30 से 40 घंटे तक काम करने में सक्षम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक खबर सामने आ रही है, G20 शिखर सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत के प्रधानमंत्री मोदी से रूस से यूक्रेन से युद्ध रोकने पर बात करने के लिए आग्रह करेंगे। दोस्तों आज की इंडिया की टॉप डिफेंस न्यूज। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारा ये चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।